दोस्तों वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बीए का है जो कि साउंड परचेसिंग। लास्ट टाइम हमने वीडियो देखा था जो मटेरियल मैनेजमेंट का था, इस टाइम पे हम लोग साउंड परचेसिंग के बारे में पता कर रहे हैं। आप सभी ने देखा कि मटेरियल मैनेजमेंट क्या रहता है, तो सही टाइम पर हम लोग मटेरियल्स को खरीदने का डिसीजन लेते हैं, उसी को हम लोग मटेरियल मैनेजमेंट बोलते हैं। ओके, अब ये परचेसिंग करते समय हम लोग को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो हम लोग को क्या रहता है साउंड परचेसिंग। तो आज के हम लोग की वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ साउंड परचेसिंग, उसकी इम्पॉर्टेंस और प्रॉब्लम्स ऑफ परचेसिंग और प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड परचेसिंग। तो चलते टॉपिक पे। सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ साउंड परचेसिंग, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग का है टू प्रोक्योर गुड्स इन द राइट क्वान्टिटी एंड द राइट टाइम। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन साउंड परचेसिंग का यही रहता है कि जब भी सामान की ज़रूरत होगी, रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, तो उस टाइम पर वो सामान कंपनी के अंदर अवेलेबल हो और जितना सामान ज़रूरत हो उतना ही सामान खरीदा जाए। बिन मतलब का सामान खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा, वेस्टेज ज़्यादा होगा। ओके, सेकंड टू रिड्यूस वेस्ट, अनदर ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस वेस्ट, टू सी दैट द परचेस आर नॉट डुप्लीकेट। उन लोगों को ये देखना है कि जो भी हम लोग का परचेस किया है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, बिन मतलब का कैपिटल वहाँ पर यूज नहीं होना चाहिए। थर्ड टू प्रोक्योर गुड्स ऑफ द राइट क्वालिटी, जो भी हम लोग सामान खरीद रहे हैं। अब क्वालिटी में ऐसा रहता है कि जो कोशिश इन लोग यही करते हैं कि जितना कम प्राइस हो उतना वो सामान खरीदा जाए, लेकिन उसके साथ साथ कम प्राइस के साथ साथ उनको ये भी देखना है कि जो क्वालिटी उन लोग खरीदना चाहते हैं वो क्वालिटी का ही प्रोडक्ट बनेगा। इसके लिए सबसे डिटोरेटिंग क्वालिटी भी इन लोग नहीं खरीद सकते। ओके, फोर्थ टू कीप टाइम फैक्टर इन माइंड, जो भी परचेजर रहेगा उसको दोनों टाइम फैक्टर देखना है, लॉन्ग टर्म फैक्टर भी और शॉर्ट टर्म फैक्टर भी, यानी प्रोडक्शन का टाइम कितना है। ज़्यादा लंबे समय तक का प्रोडक्शन का टाइम होगा तो मटेरियल उतने क्वांटिटी में खरीद सकते हैं, और शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन होगा तो मटेरियल शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन में लेना है। फिर फिफ्थ टू विदस्टैंड विद द कंपटीशन, द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वालिटी ऑफ द कंपनी मस्ट बी हायर देन दोज ऑफ द कॉम्पिटिटर। हम लोग कभी भी मटेरियल्स बनाते हैं, हम लोग सामान बनाते हैं तो क्या कोशिश करते हैं, एक तो पहली चीज़ हम लोग का यही रहता है कि मार्केट में हम कॉम्पिटिशन में खड़े रहें। सेकेंड, जो भी कॉम्पिटिटर रहेगा हम लोग का उससे क्वालिटी हमारी प्रोडक्ट की अच्छी रहे। तो अगर हम लोग ने मटेरियल सही से ख़रीदा तो हम लोग का प्रोडक्ट भी जो है वो क्वालिटी वाला ही प्रोडक्ट मिलेगा। अगर मटेरियल ही हम लोग डिटोरेटिंग क्वालिटी का ख़रीदेंगे तो प्रोडक्ट भी हम लोग को डिटोरेटिंग क्वालिटी का ही मिलेगा, और इसकी वजह से कॉम्पिटिटर के सामने हम टिक नहीं पाएंगे। सिक्स टू क्रिएट गुडविल अमंग द सप्लायर, जब भी हम लोग परचेसिंग करते तो हम हमारी कंपनी की जो प्रेस्टीज रहती है वो मार्केट के अंदर उतारते, इसकी वजह से हम लोग को सप्लायर के साथ भी अच्छा बनाना पड़ता है ताकि सप्लायर हम लोग से कोई भी नाराज़ ना हो, और जब टाइम पे हम लोग को प्रोडक्ट चाहिए, जिस टाइम पे हमको प्रोडक्ट चाहिए उस टाइम पे सप्लायर हम लोग को प्रोडक्ट अवेलेबल कर दे। सेवन कोऑपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट, जिस तरीके से हम लोग कभी भी काम करते हैं तो हम लोग को कंपनी के अंदर कोऑपरेशन की ज़रूरत रहती है, उसी तरीके से जब हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं यानी मटेरियल परचेज से लेके सप्लाई से लेके उसको प्रोडक्शन में लेके आना, ये सारी चीज़ों में भी एक दूसरे का कोऑपरेशन मिलना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम लोग उनको कॉम्पिटिटर के रूप में देखेंगे या दुश्मन के रूप में देखेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं, हम लोग का प्रोडक्ट जो आगे बढ़ने वाला रहेगा वो भी पीछे चलता रहेगा। ओके, ये हम लोग के हो गए ऑब्जेक्टिव ऑफ साउंड परचेसिंग। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं उसके इम्पॉर्टेंस पे। इम्पॉर्टेंस ऑफ साउंड परचेसिंग क्या है, सबसे पहला उसका इम्पॉर्टेंस है एफिशिएंसी। फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और ट्रेडिंग एंटरप्राइज परचेसिंग इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर देम ऑल, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कस्टमर। हम लोग जब भी मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी रहता है, तो उसका क्वालिटी ज़रूरी रहता है, और क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड रहता है, जो हम लोग मटेरियल यूज़ करते उसके ऊपर डिपेंड रहता है। इसकी वजह से जब भी हम लोग मटेरियल सिलेक्ट करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी खासी क्वालिटी का ही मटेरियल सिलेक्ट हो ताकि हम लोग का प्रोडक्शन भी क्वालिटी प्रोडक्ट में हो जाए। ओके, सेकेंड क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, द कंपनी इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ इज फाइनल प्रोडक्ट। द क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट डिपेंड्स मेनली ऑन द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज टू मेक इट, इफ सबस्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ मटेरियल आर यूज इट विल इम्पेयर द क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट ऑल्सो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट कंपनी विल लूज प्रेस्टीज इन द मार्केट, इट्स सेल्स विल डिक्लाइन। जो ऊपर बताया वही नीचे भी बता रहे हैं कि अगर क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बना तो उसमें क्या हो जाएगा, कंपनी की जो प्रेस्टीज है मार्केट के अंदर वो ख़राब होती जाएगी। मतलब समझो स्टार्टिंग में आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आपने अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर को दिया,
लेकिन धीरे धीरे आप उस क्वालिटी को ख़राब करते जा रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? जो भी आपकी मार्केट में प्रेस्टीज है, जो लोग आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो भी अभी ख़रीदना बंद कर देंगे। ओके, थर्ड हम लोग का है रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। साउंड परचेसिंग एक्चुअल सेविंग थ्रू अटेंशन टू प्राइस ऑफ मटेरियल, देयर क्वालिटी एंड सर्विस। इन दिस डेज व्हेन वर्कर्स हैव बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर राइट ओनली एंड वेयर एडमिनेंट एंड स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन हैव डेवलप्ड, द वेज कॉस्ट गोज ऑन राइजिंग। इन दिस सर्कमस्टेंसेज देयर इज ओनली वन अल्टरनेटिव लेफ्ट टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग को पता है कि जैसे जैसे हम लोग का कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड चलता जा रहा है, उस तरीके से क्या हो रहा है, हम लोग वेज कट नहीं कर सकते, मतलब एम्प्लॉय को हम लोग कम पैसे नहीं दे सकते। इसकी वजह से हमारे पास एक ही अल्टरनेटिव बचा है, वो अल्टरनेटिव क्या है, तो जो भी हम लोग का कॉस्ट रहता है प्रोडक्शन का, उसको कम कर दे। और ये काफ़ी स्किलफुली यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि कॉस्ट अगर बढ़ गया तो इनडायरेक्टली हम लोग की प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी और हम लोग को वो सामान परवड़ेगा नहीं। ओके, फोर्थ हम लोग का है टाइमली प्रोक्योरमेंट। फॉर एसेंशियल प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल एसेंशियल। रॉ मटेरियल विल बी अवेलेबल एट द राइट टाइम इन द राइट क्वांटिटी एंड ऑफ द राइट क्वालिटी ओनली व्हेन ऑर्डर्स आर प्लेस्ड एट द राइट टाइम। इफ द परचेज डिपार्टमेंट फेल इन दिस रिस्पेक्ट, प्रोडक्शन विल बी इंटरप्टेड लीडिंग टू द लेट डिलीवरीज एंड लॉस ऑफ कस्टमर। जब भी हम लोग मटेरियल खरीदते हैं तो उस टाइम पे हम लोग को क्या ध्यान देना है कि जो भी मटेरियल हम लोग खरीद रहे हैं वो राइट टाइम पे वहाँ पे अवेलेबल हो, क्वालिटी उसकी सही हो और उसके साथ साथ वो टाइम पीरियड पे आ जाए, ठीक है। और जो रॉ मटेरियल हम लोग खरीद रहे हैं उसकी क्वांटिटी जितनी हमको चाहिए उतनी क्वांटिटी में मिले। लेकिन काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि परचेसर फेल हो जाते हैं ये सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए। इसकी वजह से काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता है कि कंपनी के अंदर बंदे लोग जो काम करने वाले रहते हैं वो ये वैसे के वैसे ही पड़े रहते, काम चलता नहीं क्योंकि मटेरियल का शॉर्टेज हो जाता है। फिफ्थ हम लोग का है इम्प्रूव प्रोफिटेबिलिटी। प्रॉपर डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेसिंग एट अ लो प्राइस ड्यूरिंग द सीजन, पोस्टपोनमेंट ऑफ परचेस व्हेन प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू कम डाउन एंड एक्सेट्रा विल अल्टीमेटली लीड टू एन इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी। हम लोग की प्रोफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जब भी हम लोग का सीज़न रहेगा, यानी जो सामान हम लोग बना रहे उसके मटेरियल का जब भी सीज़न रहेगा उस टाइम पे उस मटेरियल को ख़रीद लो, और अगर वो महंगा हो रहा है तो उसकी परचेसिंग थोड़ी सी कम कर दो। इससे क्या होगा, हम लोग का जो बिन मतलब का खर्चा हो रहा है वो रुक जाएगा। ओके, सिक्स्थ हम लोग का है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ फाइनेंस। द कंपनी विल गेट द बेनिफिट ऑफ कंसेशन एंड डिस्काउंट एंड अदर फेवरेबल मार्केट कंडीशन, दिस लीड्स टू द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ कंपनीज फंड। अगर हम लोग ने परचेसिंग ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदा, सप्लायर्स के साथ हम लोग का अच्छा खासा बन रहा है, तो हम लोग को डिस्काउंट वगैरह मिलता है, और अगर डिस्काउंट मिल गया तो क्या हो जाएगा, कंपनी का उतना पैसा बढ़ जाएगा और कंपनी प्रॉफिटेबल सिचुएशन में आ जाएगी। यानी जो भी फाइनेंस हम लोग को मिल रहा है वो फाइनेंस सही तरीके से यूज़ करो, कहाँ यूज़ करना है वो सब परचेसर के हाथ में रहता है। परचेसर अगर इसको स्किलफुली यूज़ कर लिया तो किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, ये हम लोग का हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ साउंड परचेसिंग। अब लास्ट हम लोग का टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ परचेसिंग और प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड परचेसिंग, जिसमें सबसे पहला हम लोग का पॉइंट है क्वालिटी। इन दिस स्टेज ऑफ सवेरर कॉम्पिटिशन, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट प्लेस अ वाइटल रोल इन द सक्सेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। द क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल यूज टू मेक इट। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ मटेरियल आर ऑलरेडी फिक्स बाय द टॉप मैनेजमेंट। However, the purchase officer can play a vital role in determining policy regarding quality. Quality involves such as consideration as material workmanship, grade, size, design, color, etc. Certain standard must be derived on the basis of description of goods and the physical and chemical quality of goods. Many large companies keeps well-equipped laboratory for checking the quality of the material and goods produced. Quality control of material helps to cut down the waste of raw material, labor cost and overhead on account of spoiled work. जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वही यहाँ पे दिया हुआ है कि जब भी हम लोग सामान बनाते तो उस सामान में हम लोग की खासियत कह रही थी कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो ताकि हम कॉम्पिटिटर्स के सामने टिक पाए, ठीक है। अब ये क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड है, हम लोग जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। ये क्वालिटी कौन फिक्स करता है, तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो ऑलरेडी इसको फिक्स करके रखता है, बस परचेसर को उस क्वालिटी के हिसाब से सामान को कंपनी के अंदर लेके आना पड़ता है। अब क्वालिटी क्या क्या चीज़ों में आती है, कलर हो गया, मटेरियल का साइज़ हो गया, फिर किस टाइप का डिज़ाइन होना चाहिए, ये सब चीज़ें उसके अंदर आती है। हालांकि आज के टाइम पे काफ़ी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी है जो क्वालिटी चेक करने के लिए क्वालिटी डिपार्टमेंट अलग से रखा हुआ है। अब वो फिज़िकल क्वालिटी हो, केमिकल क्वालिटी हो, सबके लिए वो चलता है। वहाँ पे पहले क्वालिटी चेक की जाती है और उसके बाद उसको मटेरियल में यूज़ किया जाता है।
ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें ऐसा ये दिया हुआ है कि क्वालिटी की वजह से अगर हम अगर ऐसा हो गया कि हम लोगों ने डिटोरेटिंग क्वालिटी का कुछ सामान खरीद दिया तो हम लोग का पूरा का प्रोडक्शन स्पॉइल्ड हो सकता है और हम लोग की मार्केट में जो प्रेस्टीज है वो ख़राब हो सकती है। सेकेंड हम लोग को दिया हुआ है क्वांटिटी, द टेम्पटेशन टू बाय लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज स्ट्रॉन्ग ड्यू टू द सच एडवांटेज एज अ लोअर प्राइस डिस्काउंट प्रॉम्प्ट डिलीवरी एक्सेट्रा, बट बल्क परचेसिंग इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। लार्ज स्केल परचेज कैन इन्फ्लिक्ट लॉसेज इन द फॉर्म ऑफ टाइपिंग अप द कैपिटल एंड लूजिंग इंटरेस्ट देयर ऑन, वेस्टेज एंड डिटोरेशन, ऑब्सोलेंस, हाई कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड स्टोरेज एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड इट इज़ इक्वली डिजायरेबल टू एंश्योर दैट द क्वांटिटी परचेज इज नॉट इनएडिक्वेट, अदरवाइज प्रोडक्शन प्रोसेस विल बी इंटरप्टेड एंड देर विल बी अराइज अ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन। अब हम लोग का पहले तो हम लोग ने देख लिया कि क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, सेकेंड हम लोग देख रहे हैं कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। काफ़ी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी है जो ह्यूज क्वांटिटी में सामान खरीद के रख देती है, मटेरियल्स खरीद के रख देते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता है कि अगर हमारा सामान मार्केट में नहीं बेच पा रहा तो वो मटेरियल बिन मतलब का वेस्ट हो जाता है और ज़्यादा कैपिटल वहाँ पे लॉक्ड हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खरीदना भी सही नहीं है, लेकिन दूसरे साइड अगर हम लोग देखेंगे तो कम क्वांटिटी खरीदना भी सही नहीं है, क्योंकि अगर कम क्वांटिटी हो गया, टाइम पे मटेरियल कंपनी के अंदर नहीं आया तो जो लेबर्स काम कर रहे हैं वो ऐसे के ऐसे बैठे रहेंगे, उनको हम लोग को बिन मतलब की सैलरी देनी पड़ेगी। इसकी वजह से जो भी मटेरियल हम लोग खरीद रहे हैं वो कोशिश करनी चाहिए कि जो टाइम पे ज़रूरत है वो टाइम पे हम लोग को मटेरियल कंपनी के अंदर मिल जाए। अब इसको कैलकुलेट करने का हम लोग का एक फॉर्मूला है जो कि है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, जिसका फॉर्मूला है √2AO/C, ठीक है। ये हम लोग ने सेकेंड ईयर BCOM में पढ़ा था। थर्ड हम लोग का है प्राइस। इट इज़ जनरली बिलीव दैट द मटेरियल शुड बी परचेज एट द लोवेस्ट प्राइस सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमाइज, बट क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स ऑफ परचेज में बी डाउटफुल, हैंस द एम्फेसाइज शुड बी ऑन द रीजनेबल प्राइस एंड नॉट ऑन द लोवेस्ट प्राइस। इन व्यू ऑफ क्वालिटी, प्रॉम्प्ट डिलीवरी, अदर सर्विस एंड मेंटेनेंस ऑफ रिलेशन विद द सप्लायर, इट मे बी जस्टिफाइबल टू पे स्लाइटली हायर प्राइस। इन शॉर्ट, प्राइस इज नॉट ऑलवेज ओनली द फैक्टर। A correct conclusion is that other things being equal, the lowest possible price should be obtained. Okay? अब यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि प्राइस, हम लोग ने जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा वही चीज़ यहाँ पे दी है कि प्राइस का मतलब ये नहीं है कि सबसे कम प्राइस, क्योंकि सबसे कम प्राइस में ऐसा हो सकता है कि उसकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो प्राइस की जगह पे हम क्या देखेंगे, उसका रियल फैक्टर क्या है, मतलब वो किस तरीके से काम कर रहा है। हम लोग क्वालिटी के साथ साथ उसकी क्वांटिटी भी देखेंगे, ठीक है। इसकी वजह से जब भी हम लोग सामान खरीदते हैं उस टाइम पे प्राइस तो देखो ही देखो, लेकिन ये भी देखो कि मटेरियल क्वालिटी अच्छी हो। अगर मटेरियल की क्वालिटी ख़राब हो गई तो आपका जो सामान बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, वो भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ हम लोग का है टाइम डिलीवरी। द टाइम एलिमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन परचेसिंग। इट इज़ एसेंशियल दैट ऑल मटेरियल्स अराइव इन टाइम सो दैट देर इज़ नो डिले इन मैन्युफैक्चरिंग। If business is active and large orders are on hand, it may be advisable to pay even slightly higher prices for the time delivery. Time भी एक important factor हो जाता है। जब भी हम लोग को material चाहिए उस time पे हम लोग को वो product वहाँ पे चाहिए company के अंदर ताकि वो बन सके। तो time to time अगर material आएगा तो लोग उसका production करते रहेंगे और कहीं पे हम लोग का production रुकेगा नहीं। अब ऐसा कभी कभार हो सकता है कि हम लोग को high price दे के material खरीदना पड़े, तो खरीदो, क्योंकि अगर नहीं खरीदोगे तो क्या हो जाएगा, दूसरी तरीके से आपका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, ओके। फिफ्थ लास्ट हम लोग का बचा है वेरिफिकेशन। द वेरिफिकेशन ऑफ द क्वांटिटी गुड्स इज जनरली कंडक्टेड बाय रिसीविंग डिपार्टमेंट। ऑफकोर्स इट हैज़ टू कन्वे इन्फॉर्मेशन टू परचेज डिपार्टमेंट। इट इज़ ऑल्सो एडवाइजेबल टू कीप इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट टू चेक द क्वालिटी ऑफ द गुड्स परचेज। अब जो भी सामान हम लोग खरीद रहे हैं वो सामान जिस तरीके से हमने ऑर्डर किया है, जो टाइम पे हमने ऑर्डर किया है, जो प्राइस पे हमने ऑर्डर किया है, वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी है कि नहीं, उसको वेरीफाई करो। क्यों? क्योंकि जब ये कंपनी के अंदर आता है, अगर हम लोगों ने सामने स्टार्टिंग में उसको वेरीफाई कर दिया तो अगर जो भी प्रॉब्लम होगा हम रिटर्न कर सकते हैं। एक बार उसको यूज़ में लेके आ गया और उसके बाद हम लोग को प्रॉब्लम ध्यान में आई तो हम लोग उसको रिटर्न नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से जिस टाइम पे वो मटेरियल हमारी कंपनी के अंदर आता है उस टाइम पे उसको वेरीफाई करना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ साउंड परचेसिंग का। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया है, आप वहाँ से आपके नोट्स ले सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डियर मित्रों को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।